हेलो दोस्तों, आज फिर एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आया हूँ हीरो के शोरूम पे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हीरो की तरफ से आने वाले स्कूटर के बारे में, हीरो डेस्टिनी 125cc। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, ये हीरो की तरफ से आता है हीरो डेस्टिनी 125cc। इसमें आपको अलग अलग तीन वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप वेरियंट देख पा रहे हो दोस्तों, ये सबसे बेस वेरिएंट होने वाला है। इसके बाद आपको इसमें एक्सटेक और एक प्लेटिनियम अलग अलग दो वेरिएंट और देखने को मिल जाएंगे। ये जो दोस्तों आप शोरूम देख पा रहे हो, ये महाराष्ट्र के अंदर राजूरा में पड़ता है। राजूरा आपका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। शोरूम का एड्रेस आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। आपको हीरो के लेटेस्ट सभी व्हीकल आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी व्हीकल लेना है तो आप शोरूम पे विजिट करें। अब हम दोस्तों स्कूटर के बारे में बात करेंगे डिटेल में। एक बार आप स्कूटर को चारों तरफ से देख लीजिए। ये बेस वेरिएंट होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। टोटल अलग अलग आपको इसमें तीन वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो सारी अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सामने से आपका स्कूटर जो फ्रंट से लुक होने वाली है, कुछ इस तरह की होने वाली है। जो इस स्कूटर में आपको यहाँ पे हेडलाइट दी गई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी। बेस वेरिएंट है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बॉडी कलर आपको यहाँ पे दो साइड मिरर देखने को मिल जाएंगे। कुछ सामने से आपका इस तरह का स्कूटर होने वाला है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हो दोस्तों, एक क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। साथ में हम दोस्तों नीचे आएंगे तो स्कूटर के टायर की साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें 10 इंचिस ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। ये जो आप दो वायर देख पा रहे हो, बहुत से व्हीकल में इनको कुंभी ब्रेक बोला जाता है, लेकिन हीरो के अंदर इसको बोला जाता है, जैसा ये आप देख पा रहे हो, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। यानी जैसे ही आप एक ब्रेक दबाते हैं, दूसरा ब्रेक थोड़ा बहुत साथ में 30% काम करता है, तो आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। ऑरेंज कलर के रिफ्लेक्टर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ ये स्कूटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो होगी दोस्तों टायर के बारे में बात। अब स्कूटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। तो नीचे से देखने में आपके स्कूटर का आप देख पा रहे होंगे तो हम दोस्तों आप स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। बड़ा स्टैंड कुछ इस तरह का मिलेगा। छोटा स्टैंड अभी न्यू स्कूटर है तो वो खोल रखा है, लेकिन साइड स्टैंड जो सेंसर वाला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ में हम दोस्तों लेफ्ट हैंड में स्कूटर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। डेस्टिनी 125 बेस मॉडल ये होने वाला है। कुछ इस तरह का आपका स्कूटर लेफ्ट से होने वाला है। सी टाइप की बात करें दोस्तों, 778/778 का आपको सी टाइट देखने को मिल जाएगा। दो लोगों के लिए काफी चौड़ी कंफर्टेबल सीट ये होने वाली है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो। फिर हम ग्रैब हैंडल के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इतना बड़ा ग्रैब हैंडल इसमें देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों बात करेंगे आगे पेट्रोल टैंक के बारे में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग के साथ ये पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाएगा। 5 लीटर का आपका पेट्रोल टैंक होने वाला है। साथ में माइलेज बता देता हूं दोस्तों, 54 KMPL का आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाएगा। पीछे से आपका स्कूटर देखने में कुछ इस तरह का होने वाला है। इसमें आपको हेलोजन टेल लाइट, साथ में हेलोजन इंडिकेटर, पीछे से कुछ इस तरह का स्कूटर, यहां पे आपकी नंबर प्लेट लगने वाली है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का आपका बैक साइड से ये स्कूटर होने वाला है। इसका जो लॉक ओपन, ये ओपन करने के लिए इसमें जो इग्निशन सिस्टम है वहीं पर दिया गया है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक चीज मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पे किक दी गई है। ये स्कूटर आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिलेगा। पीछे का टायर की बात करें, पीछे का टायर भी आपको 10 इंच ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे आगे और पीछे। तो कुछ इस तरह का आपका स्कूटर पीछे से होने वाला है। अब हम एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोसी देखने को, ब्लैक ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरह की आपको सिल्वर यहाँ पे ये आपको गार्ड देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का आपका एग्जॉस्ट, राइट हैंड से देखने में आपका स्कूटर कुछ इस तरह का नजर आने वाला दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम दोस्तों स्कूटर के फुटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो इस तरह के आपको रबड़ वाले फुटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल स्कूटर के वेट की, कर्व वेट की बात करें तो ये जो स्कूटर होने वाला है दोस्तों, 114 kg का आपका स्कूटर होने वाला है ओवरऑल। ये तो हो गई दोस्तों स्कूटर की आगे पीछे की चारों तरफ की बात कंप्लीट हो गई है। अब हम दोस्तों स्कूटर के हैंडल के बारे में बात करेंगे, स्पीडोमीटर के बारे में बात करेंगे, बाकी और प्राइस वारंटी के बारे में बात करने वाले हैं कंटिन्यू। अब मैं दोस्तों आपको हैंडल की जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाई लो बीम के लिए ये पास दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो हाई लो बीम, और ये नीचे दबाओगे तो यहाँ से पास,
ये दिया गया है इंडिकेटर्स के लिए, यहाँ पे हॉर्न के लिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसे दो बॉडी कलर ही आपको साइड मिरर देखने को मिलने वाले हैं। राइट हैंड पे जाएंगे i3s की टेक्नोलॉजी का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। i3s टेक्नोलॉजी का मतलब है दोस्तों, आपका स्कूटर जब 4-5 मिनट या 4-5 किलोमीटर जाने के बाद गर्म हो जाता है, तो ये जैसे हमारे कार में आपको देखने को मिलता है कि ट्रैफिक में इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो ट्रैफिक में जैसे हम ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो हमारी कार स्टॉप हो जाती है, क्लच दबाते हैं तो ऑन हो जाती है। तो वही है सेम टेक्नोलॉजी आपको स्कूटर के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे आप अपना ब्रेक दबाएंगे आपका स्कूटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और ट्रैफिक जाम में बंद हो जाएगा। तो ये तो होगी दोस्तों हैंडल की जानकारी, कुछ इस तरह का आपको हैंडल दिया गया। अब हम स्पीडोमीटर के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरह का 120 की स्पीड का आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे एक छोटी सी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले में आपको ट्रिप 1 A और B, साथ में आपको ओडोमीटर, टोटल अपनी यहाँ पे फ्यूल की जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के लिए, यहाँ पे आपको इंजन की वार्निंग के लिए, ये आपको साइड स्टैंड की वार्निंग के लिए, यहाँ पे सभी के सभी इंडिकेशन इसमें देखने को मिल जाएंगे। i3s टेक्नोलॉजी को जैसे आप ऑन करेंगे यहाँ पे लाइट जल जाएगी। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये लाइट जल गई है। यहाँ पे आपको हेडलाइट के लिए, जब आप हेडलाइट जलाएंगे तो इसमें यहाँ पे इंडिकेशन जल जाएगा। तो ये सभी फीचर इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बेस वेरियंट है तो इतने ही फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ में हम दोस्तों नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको बैग हुक दिया गया है, बैग आप यहाँ पे टांग सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट लगवा सकते हैं एसेसरी के तौर पे। अब दोस्तों इग्निशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इतना आपको लेग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप अपना बैग वगैरह चीजें यहाँ पे अपनी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इग्निशन सिस्टम की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ हैंडल लॉक, साथ में आपका फ्यूल का ढक्कन ओपन करने के लिए, आपका सीट ओपन करने के लिए सभी यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। अगर आप इसको पुश करके इधर घुमाओगे तो आपका फ्यूल वाला ओपन हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ से आपकी सीट ओपन हो जाएगी। सीट को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी उसको किया तो यहाँ से आपकी सीट ओपन हो गई। एक बड़ा हेलमेट इसमें आसानी से आ जाएगा, कुछ इस तरह की आपको फिट एंड फिनिश के साथ आपको सीट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको एक LED लाइट देखने को मिल जाएगी, जैसे सीट बंद होगी तो लाइट भी बंद हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलने वाला है। इसी के अंदर आपको टूल बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे आपको मोबाइल ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इतना सारा आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब हम सीट को बंद कर देते हैं, बाकी आगे इंजन की और प्राइस और वारंटी की डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे। अब मैं दोस्तों इसके इंजन की डिटेल आपको दे देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं स्कूटर के अंदर मैक्सिमम रियर टायर में इंजन लगा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो इंजन दिया गया है दोस्तों 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी पावर की बात करें 9.1 PS का पावर, और टॉर्क की बात करें तो दोस्तों 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा आपको स्कूटर के अंदर। मैक्स स्पीड की बात करें तो 90 की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी ओवरऑल डिटेल होगी स्कूटर की दोस्तों। अब हम प्राइस, वारंटी, फ्री सर्विस के बारे में और बात कर लेते हैं स्कूटर के बारे में दोस्तों। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया ये बेस वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम प्राइस है आज की डेट में 2022 में 77,000 रुपये। अलग अलग सिटी के हिसाब से वो भी अलग अलग वेरी करता है। जैसा कि मैंने बताया ये राजूरा वाला शोरूम है चंद्रपुर में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहाँ पे इसका एक्स शोरूम प्राइस है 77,000 रुपये। ऑन रोड की बात करें 1,705 रुपये, यानी 1,700 रुपये मान लीजिए आप इसका ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड के अंदर आपको इसकी 5 साल की इंजन की वारंटी, साथ में 1 साल का एक्सीडेंटल बीमा, 5 साल का आपका इंश्योरेंस 1+4 यानी 1 साल का फुल्ली इंश्योरेंस, 4 साल के लिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। स्कूटर की फ्री सर्विस की बात करें तो 5 सर्विस आपको इसमें लेबर चार्ज एंड वॉशिंग के साथ फ्री मिलेंगी, जो कि 14 मंथ के टाइम पीरियड के अनुसार आप इसमें 5 सर्विस फ्री करा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी स्कूटर की डिटेल हो गई कंप्लीट। और दोस्तों मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि आपका फिटनेस के लिए है, करण फिटनेस इंफॉर्मेशन, वहाँ पे आपको फिटनेस की जानकारी मिलेगी। आपको फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो वो चैनल भी विजिट करें, या डिस्प्ले में भी मैं उसका नाम डाल दूंगा। और दोस्तों इस शोरूम का पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा विद कॉन्टैक्ट नंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस स्कूटर का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।